तराश कर जिंदगी को उन्होंने अपने कैनवस के रंगों से सजाया। कलाकार की भले ही सीमा होती हो, पर कला की कोई सीमा नहीं होती। अंत में कला ही कलाकार को बहुत छूने की कोशिश करते हैं, स्वयं अभिव्यक्त कराने की कोशिश करते हैं। स्वयं को अभिव्यक्त कराना कोई कला का है, जैसे कि एक नाम जुड़ा हुआ है हमारे बीच में, श्रीकांत दुबे जी का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानसी, MR वीडियो टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपके रंगों की दुनिया में जानने से पहले हम आपके बारे में और आपके परिवार के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। जी, जैसा कि हमारे संस्कृत साहित्य में बहुत अच्छी एक पंक्ति है, साहित्य संगीत कला विहीन, ते नर पशु पुच्छ विषाणहीन। बहुत सुंदर शब्दों में बोला गया है कि बिना संगीत और कला के मनुष्य एक पशु के समान है। तो मैं सोचता हूँ कि सभी के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है, उसको पहचानना, निखारना, उसमें रमना और उसको करना, जिनको आ गया वो अपना कलाकार हो गए। तो बस वही बातें हैं। और मेरे बारे में ये है कि मैं श्रीकांत दुबे, मेरे पिताजी का नाम श्री कैलाश दुबे, मैं 3 भाई हूँ और मेरी माताजी श्रीमती लालता देवी, और उन्हीं की वजह से आज जो कुछ भी हूँ मैं यहाँ पे, आज मैं अपने माताजी की वजह से हूँ, नहीं तो मैं कहीं नहीं रहता, शायद आज मैं कलाकार के कुछ भी नहीं होता। जी, उनका योगदान बहुत बड़ा है। और मैं फिर फाइन आर्ट किया, मास्टर डिग्री की, और दिल्ली आया, और सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिला, मुझे लगता है जीवन का, सन 2002 में, जब मैंने अपने माताजी की आंखों में खुशी के आंसू देखे। ललित कला एकेडमी में मेरा पहला सोलो शो था, तो बहुत सारे मीडिया में, कई चैनल में, कई अखबारों में इतना सारा आया, ये देख करके मेरी माताजी बहुत प्रसन्न हुई। और आज भी मैं अनवरत इसी कला के फील्ड में काम कर रहा हूँ, और मैं कलाकार तो नहीं, मैं अभी भी स्टूडेंट अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि हाँ जी, जब तक वो हम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस दिन मैं सोच लूँगा मैं कलाकार बन गया, उस दिन डाउन हो गया। मैं स्टूडेंट समझता हूँ और आगे भी बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, जितना करना चाहता हूँ उतना कर नहीं पाता, और बहुत अभी करने की चाहत है, आगे ऊपर वाले की जो भी मर्जी हो। सर, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानने के लिए। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगी आपका पेंटिंग का शौक कब और कैसे हुआ? हाँ, एक्चुअल इसके पीछे थोड़ी सी एक स्टोरी है मेरे लाइफ में। मैं आर्टिस्ट तो बनना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे परिवार में दूर दूर से कोई आर्टिस्ट नहीं है, मत मीन्स ये मेरे फादर, बाबा, कोई भी परिवार में, खानदान रिश्तेदारी में भी कोई नहीं है। इवन मेरे फादर आर्मी में थे, 2 छोटे भाई वो भी आर्मी में थे, और मैं भी आर्मी में जाना चाहता था। एक्चुअल जो बच्चा माहौल देखता वही बनना चाहता, तो शायद मैं आज आर्मी में होता, कोई कर्नल, जो भी पोस्ट होती है, आई डोंट नो, बट होता मैं आर्मी में, देश की सेवा करता, और नहीं जा पाया। आज आर्ट के माध्यम से देश की सेवा कर रहा हूँ। मैंने कारगिल युद्ध के बाद एक बहुत अच्छी सीरीज बनाई थी, वो कारगिल की, और काफ़ी पॉपुलर रही वो, ललित कला एकेडमी में, पैसिफिक मॉल और कई जगह हुआ, काफ़ी उसको कवरेज मिला है, अच्छी सीरीज रही मेरी जी। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी आपने अपनी कला की प्रदर्शन लगाई है, तो ये अनुभव आपके लिए कैसा रहा? नहीं, एक्चुअल क्या है कि हम आर्ट को एक साधना के रूप में देखते हैं। साधना मतलब ये है कि हम बस पूजा है, जैसे पूजा हम कर रहे हैं भगवान की, वैसे हमारे लिए पूजा है। और ललित कला एकेडमी में 4-5 मेरे सोलो शो हो चुके हैं, मेरे टोटल 21-22 सोलो शो हैं वैसे तो जी, बॉम्बे में, दिल्ली में, विदेशों में भी हुए, टाइम टू टाइम जैसा मौका मिला, जैसी परिस्थितियाँ रही उसके अकॉर्डिंग में करता रहा, और काफ़ी मेरे काम बाहर में भी है। इवन एक मेरी बुक भी आई है जो कि मिस्टर बीके पीटरसन अमेरिका के रहने वाले हैं, तो उन्होंने ईसा मसीह के ऊपर कुछ सीरीज वाली पेंटिंग बनाई थी, मनीला में भी मेरा शो हुआ था, तो टाइम टाइम हर जगह होता रहता है। वो प्रभु ईसा मसीह की महागाथा नाम से बुक बहुत अच्छी पब्लिश करे मेरी पेंटिंग्स को लेकर के और कुछ कविताओं को लेकर के। और मैं रेगुलर, मैं ये नहीं देखता परिणाम क्या होगा, मैं इंजॉय करता हूँ आर्ट से, और जो अच्छा लगता है वो बनाता हूँ, अपनी शैली में बनाता हूँ, बस ये कंडीशन है मेरी।
सर बहुत ही अच्छा अनुभव रहा आपका। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी, आजकल का जो यूथ है, जो हमारे माँ बाप हैं, वो बच्चों को बोलते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनो, आपने पेंटिंग का मतलब कैसे करा, आपने पेंटिंग ही क्यों चुनी आपने? हाँ वो बात शायद अधूरी रह गई मेरी। हाँ एक्चुअल मैं जब 9th में था तो वो मेरे हाथ में एक्सीडेंट हो गया। मैं पहले 9th तक राइट हैंडर रहा हूँ, पहली बात बता दूँ, मैं राइट हैंड से लिखता था नॉर्मली जो बच्चे लिखते हैं। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और राइट हैंड को मेरे काटना पड़ा। फिर तो मैं अब लिखना पढ़ना तो बहुत दूर की बात, खाना भी नहीं खा पाता था। मुझे याद है वैसे भी वो दिन, पहली बार मैं खाना खाया तो पूरे मुँह में मेरे लग गया था, क्योंकि आदत होती नहीं थी ना इसमें, पूरा मैं घबरा गया ये क्या हो रहा है। तो फिर भी मैंने कोशिश किया, धीरे धीरे खाने शुरू किया और हॉस्पिटल में ABCD का पूरा एक डायरी में लिखने शुरू कर दिया। हिम्मत नहीं आ रहा, मेरी माँ का बहुत सपोर्ट रहा कि बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। और फिर मैंने फाइन आर्ट में एडमिशन लिया और मतलब वही है कि घर वालों का भी सपोर्ट रहा और मैंने अपना मनोबल कभी भी डाउन नहीं होने दिया। बी पॉजिटिव, हमेशा मैं अच्छी बातें सोचता, पॉजिटिव कहानियाँ पढ़ता, पॉजिटिव लाइफ के प्रति रहता, और आज भी वैसी ही स्थिति है। और आर्ट को मैंने चुना और ठीक, मैं आज महसूस करता हूँ कि अच्छा चुना और इसमें जी रहा हूँ। सर हमारे देश में एक कलाकार को इतना उचित अनुरोध मिलता है जितना एक विदेश में मिलता है? इस मैटर पे तो थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि शायद, क्योंकि मैं अनुभव यहाँ पे दिल्ली में रह करके, दिल्ली ऐसी जगह कि यहाँ देसी विदेशी सभी लोग मिलते हैं, तो मेरे भी कई विदेशी बायर्स मिले जो मैंने फील किया कि वो बहुत ही रिस्पेक्ट अलग ढंग का देते हैं। और वहाँ जो मैंने सुना भी है और देखता भी हूँ कि कुछ अलग ढंग से, मतलब वहाँ आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट मिलती है शायद इंडिया में जब एक लेवल पे आप पहुँचेंगे तभी मिलती है। और मैं भी शुरू में स्ट्रगलर रहा, अभी भी हूँ वैसे तो, लेकिन ये कि जिस समय रात तो कोई ज़्यादा मतलब उस तरह का नहीं था, अब थोड़ा लोग समझने लगे हैं, समय के साथ बदलाव आया है, आर्ट को रिस्पेक्ट भी मिलने लगी। केवल डॉक्टर इंजीनियर लोग बनना चाहते थे, बनाना चाहते थे बच्चों को, लेकिन अब थोड़ी चेंजिंग आई है लोगों की सोच में, इस चीज़ को समझने लगे हैं और रिस्पेक्ट भी पहले से काफ़ी बढ़ गई है। सर आज भारत में कला एक इन्वेस्टमेंट का रूप कितना विकसित हुआ है? नहीं अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हमारे कुछ सीनियर्स आर्टिस्ट जो अब कुछ तो दुनिया में भी नहीं रहे, जैसे तैयब मेहता जी, सतीश गुजराल जी, MF हुसैन जी, और भी बहुत बहुत सारे नाम हैं जो कि एक आर्ट इंडिया में भी, भारत में भी जो है आर्ट मार्केट बना दिए हैं और अब लोग समझने लगे हैं कि एज इन्वेस्ट के रूप में पेंटिंग को, स्कल्पचर्स को, आर्ट को लेने लगे हैं जी। वैसे सर आपका कोई जिंदगी में आइडियल रहा है जिसको आप देख के फॉलो करते हो, पेंटिंग्स बनाना कुछ? नहीं ऐसा तो कुछ मैं नहीं, बस ये है कि मैंने ये देखा कि जो हमारे सीनियर्स रहे हैं वो काफ़ी मेहनत करके एक इंडिविजुअल अपनी शैली बनाए, और जब मैंने BFA कर लिया, मास्टर डिग्री कर लिया, आया दिल्ली में तो देखा कि उन लोगों का काम यदि 100 लोगों के काम में रखा हुआ है, हजारों काम है उनमें, अलग दिख जाता, उसमें कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ अलग टेक्निक है, कुछ बोर्ड लाइन है, कुछ कलर्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, समथिंग इस तरह का कुछ। फिर 92 में मैं दिल्ली में आया, उसके बाद मैं उनको देखता रहा, रिसर्च टाइप सा ही हो गया एक तरह से। फिर मैं अपना भी एक शैली बनाने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक सक्सेस हूँ। लोग मेरे काम को देख के बोल देते हैं आपका काम वहाँ लगा था, वहाँ लगा है, लोगों के फ़ोन आते हैं तो इससे पहचान हो जाती है। तो वो मैं एक प्रयास किया हूँ और काफ़ी हद तक सफल। सर आपका धर्मपत्नी का सपोर्ट रहा था सर इस मैटर पे? तो मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे मम्मी के बाद जो सपोर्ट रहा है, मेरी धर्मपत्नी बहुत ही, मैं लकी हूँ, बहुत अच्छी, और सी इज़ वेल नोन आर्टिस्ट, और उनको जी जी मेरे साथ रह के, और मैं ये कहूँगा कि हम दोनों बहुत, उनके अलग स्टाइल हैं। अच्छा। जी जी, जैसे मेरी स्टाइल है अपनी, वैसे उनकी स्टाइल, हम एक ही साथ काम करते हैं, एक ही स्टूडियो में। अच्छा। एक घर में रह रहे हैं फिर भी जो है, मतलब उनकी स्टाइल अलग है। उनको जूनियर फेलोशिप भी मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, सीनियर MBA भी मिला है, और उन्होंने भी कई 1600 कर चुकी हैं, ग्रुप्स में तो होते रहते हैं। इवन मेरा भी और उनका भी ललित कला एकेडमी की गढ़ी स्टूडियो में, हम दोनों को स्टूडियो मिला हुआ है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर कोई संदेश देना चाहोगे आप हमारी पीढ़ी के लिए, आने वाली यूथ के लिए?
जी एक्चुअल आजकल के बच्चे, मैं ये कहूँगा कि ऐसी दुनिया में पैदा हो रहे हैं जो हमारे समय जब हम छोटे थे तो वो चीज़ें नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ बहुत इजीली अवेलेबल हैं, उसका फ़ायदा उठाएं, आगे बढ़ें। कई बार होता है कि जीवन में निराशा आती है, हम काम कर रहे हैं और सफलता मिलती है, नहीं भी मिलती है, तो घबराना नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से एक शायर ने बोला है, जब समा बुझाने पर फिर से जल सकती है, जब समा बुझाने पर फिर से जल सकती है, भंवर में फंसी किश्ती तूफान से निकल सकती है, भंवर में फंसी किश्ती तूफान से निकल सकती है, ना उम्मीद ना हो इरादे ना बदल, ना उम्मीद ना हो इरादे ना बदल, पगले कभी तेरी भी किस्मत समझ सकती है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा संदेश दिया सर ने। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आज की पीढ़ी पेंटिंग में भी ज़रूर एक बारी अपने आप को बोले कि हाँ भाई हमें भी पेंटिंग में जाना चाहिए। सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे कि जो पहले के डेज थे, जब स्ट्रगलिंग डेज थे, और अब के दिनों में क्या फ़र्क आपको लगता है कि मतलब मैंने उस टाइम ऐसा करा था, मैंने अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है मुझे ये सब चीज़ करने में, तो क्या आपका राय है इसमें? देखिए स्ट्रगल डेज तो मेरे एक्सीडेंट के बाद से शुरू हो गए थे, और मैं इवन BFA में जब कर रहा था बनारस में तो काफ़ी समस्याएं, मैं बहुत मीडियम परिवार से हूँ, कोई ऐसा नहीं कि बहुत पैसे वाले या बहुत उस तरह से, तो ठीक है मतलब मैं वहाँ बनारस में पढ़ने आया तो 3 साथी हम लोग आए थे, तो एक ने पहले ही छोड़ दिया पढ़ाई, दूसरा जो साथी था वो भी छोड़ के चला गया, मैं अकेले हो गया। कुछ दिन मैं मतलब होटल में खाना खाया, पेटों में जो है ना फिर छाले आ गए मुँह में, वो सारा कुछ खाना मतलब पचता जो होटल का होता है नॉर्मली, तो मैं देखा ये तो फिर मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। डॉक्टर ने बोला या तो तुम घर का खाना खाओ या फिर पढ़ाई छोड़ दो। फिर मैंने बड़ी हिम्मत की और धीरे धीरे मैंने तहरी बनाना, रोटी बनाना, सब्जी मतलब सब कुछ सीख लिया, हिम्मत किया मैंने। फिर साइकिलिंग भी चलाता था, मोटरसाइकिल भी चलाने लगा, मतलब हिम्मत, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद बहुत से लोग होपलेस होते हैं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, और मेरी सोच ये होती कि मैं ये कैसे कर पाऊँगा। मेरे अंदर में पॉजिटिविटी है, यस जी जी अभी भी है, मैं ये नहीं सोचता कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं सोचता हूँ कि इसको मैं कैसे कर पाऊँगा और क्यों नहीं कर पाऊँगा, क्यों नहीं कर पाऊँगा, यदि दूसरा कर रहा तो रियली मैं भी कर लूँगा भाई, नहीं क्यों नहीं करूँगा, तो ये मेरी सोच शुरू से रही है। तो बहुत ही स्ट्रगल है, यदि मैं खाना बना नहीं सकता शायद मैं भी पढ़ाई वहीं छूट जाती। सेकेंड में जब दिल्ली में भी आया तो मैं बड़ा स्ट्रगल फेस किया, क्योंकि मैं 92 से लेकर के और सन 2002 में मेरा पहला शो हुआ, बीच में कई लोगों से मैं बोलता कि सर मेरे को भी थोड़ा सा आप मौका दीजिए, ग्रुप शो में कई लोग मौका नहीं देते थे, लेकिन अब मतलब वो स्ट्रगल के दिन थे काफ़ी, उनकी भी गलती नहीं, शायद मेरे अंदर कुछ कमियाँ रहीं जो कुछ भी आप समझिए, या स्ट्रगल थे तो लोग ढंग से बात भी नहीं करना, लेकिन आज वो लोग मेरे को थोड़ा मौका देते हैं, बुलाते हैं, तो अब ठीक है। स्ट्रगल तो खैर सभी के जीवन में होते हैं, उसको फेस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सर मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी, मेरे को ऐसा लगता है कि हर किसी के जीवन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तभी मैंने ये सोचा कि अब से मैं ये ज़रूर करूँगी, कोई मेरे को बता नहीं सकता कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सर ऐसी कोई बात आपके जो दिल पे लग गई हो और आपको लगे कि अब मुझे ये लाइन ठाननी है कि यही करना है मेरे को? एक्चुअल ये आफ्टर एक्सीडेंट की बात है, जब मैं 11th में आया तो मेरे एक कला के सर थे, उनसे मैं बोला कि सर अब मैं तो जो सपने देखा था आर्मी का वो ख़त्म हो गया, अब मैं आर्ट में जाना है मुझे, तो मैं पहले दाहिने हाथ से भी पेंटिंग अच्छा करता था 9th तक, तो फिर उनको बोले कि नहीं बेटा ऐसा है कि पहले तो आप बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेते थे, आपका हाथ भी सही था, अब आप नहीं कर पाओगे। मैं बोला सर थोड़ा सा मेरे को मौका दीजिए, बोले ना ना आपको नहीं। फिर मैं 2-4 सर से वो रिक्वेस्ट किया, फिर उनके यहाँ वो बात पहुँची, तो बोले ठीक है मैं एक मौका दे रहा हूँ 1-2 महीने का, आप यदि इसमें सफल हो जाओगे तो फिर मैं आपको पेंटिंग दूंगा, अदरवाइज आप दूसरा सब्जेक्ट ले लेना। मैं बोला ठीक है सर, एज ए चैलेंज मैंने उस चीज़ को लिया, और मैं सोचा कि भाई मुझे कुछ करके दिखाना है, और मैं घर आ कर के पूरा दिन रात जो बोला जाए पूरी साधना पूरी मेहनत के साथ, इवन मेरे को याद है और मेरी मम्मी जो है ले आ करके जैसे चाय रख दी वहाँ पे, पानी
में मेरा ब्रश जा रहा है या चाय में जा रहा है धोने के लिए, मुझे खुद नहीं, कई बार पानी का भी कलर जो है चाय जैसा हो जाता है। इतना आप डेडिकेटेड हो गए थे। और विद इन वन मंथ, वो उन्होंने 2-3 महीने का मेरे को मांगा, मैं विद इन वन मंथ 25 दिन में मैं पूरे इंटर कॉलेज में नंबर 1 पे पहुंच गया। तो आपको लगी कि मुझे अब इस फील्ड में करना है, चाहे कुछ करके दिखाना है। वही सर मेरे ऊपर बहुत प्राउड करते हैं कि बेटा मेरा कुछ, यदि अच्छे स्टूडेंट्स में से मेरा नाम लेते हैं। तो मतलब आपकी अभी भी उनसे मिलना जुलना होता है, और बहुत ही प्राउड करते हैं कि तुम इतना आगे पहुंचे, दिल्ली में गए तो मेरा भी नाम किए। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आप पेंटिंग करना जब शुरू करते हो आप, तो क्या क्या ध्यान में रख के आप पेंटिंग करना शुरू करते हैं? मतलब कौन से कलर्स यूज होंगे, क्या चीज मैं यहाँ से लूँ तो अच्छी पेंटिंग बनेगी, तो क्या सीरीज रहती है आपकी पेंटिंग करने की? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअल मैं जब पेंटिंग करता हूँ तो मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। जब मैं वही बताया 92 में जब आया था, तो उस समय यहाँ पे देखता था लोगों की अपनी एक इंडिविजुअल पहचान है। हर बिग नेम, जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनकी पेंटिंग्स 1000 लोगों में अलग दिखती है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने एक अपनी शैली डेवलप की। उसके लिए मैंने 5x7 इंच के कार्टेज पेपर पे एक छोटी छोटी 5-5 ड्राइंग डेली करता था, जो एक महीने में 150 हो जाती हैं। इस तरह से अनवरत आज की डेट में वो ड्राइंग्स 104 केजी से ऊपर है। और वो मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है, उन्हीं में से मैं पेंटिंग्स करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लॉर्ड कृष्णा बोला जाए, तो उनके ऊपर 2000 से ऊपर ड्राइंग है मेरे पास। लॉर्ड गणेशा के ऊपर ऐसे कोई भी सब्जेक्ट, जैसे एनिमल में आप ले लो, 25-30 प्रकार के एनिमल की ड्राइंग्स। जैसे मान लो आप काऊ ले लो, काऊ की 500 ड्राइंग है मेरे पास। कारगिल सीरीज पर जैसे मैंने किया था, तो उस पर भी मेरे 1000 से ऊपर ड्राइंग्स हैं। कुल मिलाकर के वो 104 केजी हो रही हैं। और मैं जब भी पेंटिंग करता हूँ तो उन्हीं में से ड्राइंग लेता हूँ। और साथ में ये मैंने पेंटिंग का फाइन आर्ट किया है, तो कलर्स तो वाटर कलर, आयल कलर, एक्रैलिक कलर, सारे कलर का माध्यम यूज उसी हिसाब से करता हूँ कि एक डिफरेंट चीज़ नज़र आए। और जैसा फिगर है जिसके अकॉर्डिंग, जैसे दशावतार की, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे दशावतार की सीरीज जी, और ये मैंने पूरी एक सीरीज बनाई थी जो काफी पॉपुलर है, कृष्णा आर्ट गैलरी में, ललित कला में भी इसका एक वर्ष हुआ। तो मैं इसको वैसे तो बचपन से मैं अपने बाबा के पैर वगैरह दबाता तो कहानियाँ सारी सुनता था, इंडियन मैथोलॉजी की, राम की, कृष्ण की, दशावतार की, बहुत सारी चीज़ें तो उनके ऊपर सुनता रहता था। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे जहन में, मेरे दिमाग में अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन फिर से मैं जब इन पे सोचा कि पेंटिंग बनाऊं, तो पेंटिंग बनाना इतना आसान नहीं, सोच लेना कर लेने में बहुत अंतर है। फिर मैं इनको फिर से पढ़ना शुरू किया, क्या है, कैसे है, जैसे मत्स्य अवतार इसकी क्या कहानी है। आप जब पेंटिंग बनाना शुरू करते तो उसके बारे में रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। और आजकल के, बल्कि न्यू जनरेशन को मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा इस मैटर पे भी थोड़ा, बच्चे मतलब फाइन आर्ट करने के बाद जड़ तक नहीं जाते, ऊपर जो है ना ऑब्स्ट्रैक्ट के नाम पे कुछ भी बनाने लगते हैं। वो मेरा हिसाब है कि आप पहले समझो, जड़ को समझो, उसके बाद एक अपनी शैली बनाओ, कुछ करो, अलग हटके करो, अलग हटके होना चाहिए तभी आपकी पहचान बनेगी, लेकिन पहले जड़ तो आनी चाहिए। तो वो चीज़ें मैं तो एज रिसर्च करता हूँ, और मैं सबको यही राय दूंगा। यही जैसे मैंने दशावतार वाली सीरीज है, तो पूरी इसमें 10 अवतार हैं। अच्छा। तो इवन मुझे जब मैं बना तो मुझे 24 अवतार हैं। तो मतलब रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन 10 मेन हैं। हाँ। तो उन पे मैंने बनाया जी। मतलब कहने का यही मतलब है कि आजकल को जो यूथ है ऊपर ऊपर से ही पेंटिंग करना जानते हैं, जड़ से आप सीखोगे तो ही आपके पेंटिंग में कुछ अच्छी चीज़ दिखेगी जो लोगों को प्रभावित करेगी। सर मेरा ये भी क्वेश्चन है कि जब आप एक पेंटिंग बनाने का सोचते हो तो आप दिमाग में पहले से उसका चित्र बना लेते हो कि मुझे ये एक पन्ने पे उतारनी है पेंटिंग, तब मैं जाके कुछ मैं मैसेज दे पाऊँगा अपने ऑडियंस को जो देखती हैं मेरी पेंटिंग्स। ये पेंटिंग तो खैर बहुत बात की बात है, आप बिलीव नहीं करोगे। कई बार क्या होता है कि जब हम ड्राइंग बनाते हैं ना, ड्राइंग के बाद ही पेंटिंग करते हैं, तो ड्राइंग बनाते हैं तो जो मेरा दिमाग बोल रहा है वो कैनवास पे नहीं उतरते, तो हाथों में दर्द सा होने लगता है, बिलीव नहीं करोगे। जब तक जो मेरा माइंड बोल रहा है वो चीज़ कैनवास पे नहीं आएगी, या उस ड्राइंग को जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं होगा,
तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और वो करते करते लगता है हाथों में कितना दर्द हो रहा, कितना वजन का काम कर रहा हूँ मैं। जब वो ड्राइंग हो जाती है, जो मेरे दिमाग में है वो उस कैनवास पे, उस पेपर पे आ जाती है, तब जाकर संतुष्टि होती है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बन गया। उसके बाद हम कलर करते हैं, कलर पे पहले नहीं जाते। सर ऐसा कभी हुआ है आप पेंटिंग बनाते बनाते आप सोचने लग गए कि यार नहीं, अब ये थोड़ा पेंटिंग थोड़ा मेरे को लग रहा है कि और भी अच्छी बन सकती है, तो तुम आपने दोबारा से उस पे काम करना शुरू करा है? ये दुनिया हमारी है, बहुत अलग है, बहुत अलग है, आप विश्वास नहीं करोगे। पेंटिंग एक नॉर्मल दुनिया से अलग हट करके काम। कई बार एक मैं दशावतार का एक है मैं जिक्र कर रहा हूँ, परशुराम जी की पेंटिंग बना रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है। लगभग मैं बैठ गया था ऐसे 9-10 बजे पेंटिंग करने, पता नहीं होता कब बैठ जाए, मूड बन जाए आर्टिस्टों का। 3:30 बज रहे थे, FM चैनल चालू था, और इतना अच्छा बना कि मैं कब नाचने लगा मुझे नहीं पता। इतना अच्छा, हाँ, और वो पेंटिंग इतनी अच्छी बनी रियली कि मैं अभी एग्जीबिशन शो नहीं कर पाया, घर से सेल भी हो गई वो। तो ये चीज़ें कब क्या है ना कि मतलब पूरी हमारी दुनिया अलग हो जाती है इस दुनिया से हम हट करके, ये पूरी तरह से एक तरह की पूरी दुनिया आपको पेंटिंग में दिखने लगती है। ये आप समझिए कि एक साधना है। हाँ, और इस दुनिया से अलग हटके। थैंक यू सर हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी आपको भी और आपके चैनल MR वीडियो टेक को कि मेरा इंटरव्यू लिया और प्रसारित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा।